हाय फ्रेंड्स, आपके लिए एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि ऑनलाइन कंपटीशन हमारे जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारे फ्रेंड्स ने हम अपना डॉग हमारे साथ रजिस्टर करवाया है, वो जल्दी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने नहीं करवाया है, जल्दी से अपना डॉग हमारे साथ रजिस्टर करवाइए, माइक्रोचिप बनवाइए, उसके कार्ड बनाइए, उसका आप डिजिटली हेल्थ कार्ड भी बना सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं टू बी ए पार्ट आवर फैमिली माई फ्रेंड। तो अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कस्टमर केयर पर बात कीजिए और हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप वॉइस मैसेज में अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। वैसे हमारा IVR नंबर 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था कि अगर आप ब्रीडिंग लाइन में आना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड क्या है जिसमें आपको कम एफर्ट लगे और मुनाफा ज़्यादा हो, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है स्मॉल ब्रीडों से, छोटी ब्रीडों से स्टार्ट कीजिए। लास्ट टाइम वीडियो था बीगल के ऊपर। इस समय मेरे हाथ में है शिह त्ज़ू। ये बहुत बढ़िया ब्रीड है, बहुत छोटी ब्रीड रहती है। सबसे अगर कम कहें जो बॉडी वेट में से अगर स्मॉल ब्रीडों में स्टार्ट करनी है तो एक ये ब्रीड है। इसमें एक आपको प्लस पॉइंट ये है कि ये ब्रीड आपको एफर्ट कम लगेगा आपका, क्योंकि छोटे केज में बड़े आराम से रह लेता है, छोटे घर में बड़े आराम से रह लेता है। अगर आपको ब्रीडिंग करना चाहते हो तो जो एक मैक्सिमम साइज़ में केज आता है 3 फीट बाई 2 फीट, उसमें भी ये रह सकता है। बकायदा आप उसको प्रॉपर ओपनिंग का टाइम छेड़िए, वॉक दीजिए घर में, लेकिन जितना ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा, इसका लीटर साइज़ ऑलमोस्ट 5 बेबी, कभी कभी 7 पपीज़ होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं। इसका प्राइस अराउंड 15 से 20 के बीच घूमता रहता है। हर एक स्टेट में वैसे अलग अलग प्राइस है, लेकिन कुछ इसी के आसपास रहता है। और इसमें क्या है, इसका बॉडी वेट जो 5 से लेकर 7 kg के आसपास रहता है, कुछ का इससे भी कम रहता है। तो इसमें अगर आप, मैंने पहले भी एक आपको एग्जांपल दिया था कि लेपरा या जर्मन शेफर्ड जो 30 kg तक चला जाता है, उसमें अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो ज़्यादा बेटर है ऐसी छोटी ब्रीडों को के साथ स्टार्ट की। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और एक अगर बुद्ध धर्म में है, मेरे फ्रेंड बहुत सारे बुद्ध धर्म में इस ब्रीड की बहुत मानता है। इस पर जो वाइट स्पॉट यहाँ पर कहा जाता है, हर एक ब्रीड मोस्टली बहुत लकी है। गौतम बुद्ध ने इसको किस किया था, तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। और बहुत सारी जो प्राचीन कहानियां हैं गौतम बुद्ध के साथ या उनके ड्रैगन के साथ, तो छोटा सा पपी हमेशा वो ये होता है शिह त्ज़ू। ये बहुत ब्लेसिंग भरा डॉग है। अगर आप इधर एशिया, सदर्न एशिया की तरफ जाओगे या ईस्ट एशिया की तरफ जाओगे, तो ये इतना लकी माना जाता है कि लोग वहाँ एक दूसरे को ये गिफ्ट देते हैं, मैरिज में, बर्थडे पार्टी, कोई भी ओकेशन हो, तो ये एक ब्लेसिंग या कह लो कि किसी को अपनी शुभकामनाएं देना, ये उसके बराबर है। लाइफ स्पैन इसका बहुत बड़ा होता है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ब्रीडिंग लाइन में एंटर होना चाहते हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, छोटी उम्र में है, बड़ी उम्र है, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं देना चाहते, तो छोटी ब्रीड से स्टार्ट कीजिए। ये आपको अलग अलग कलरों में मिल जाएगा। मेरे पास इसका एक और भी सेम ऐसा ही है। ओके, ये देखिए इसकी एज मैडम कितनी हो गई है, अराउंड 65 तो ये है, और ये अराउंड 40 डेज के आसपास का है। ये अलग अलग कलरों में आपको मिल जाएंगे। कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण इजी होता है, आप इसको साथ कैरी कर सकते हो गाड़ी में, बाइक में, कहीं भी। और बट एक थोड़ा सा टफ पॉइंट ये है कि इनके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। बाल लंबे होने के कंटिन्यूस ग्रूमिंग और कंटिन्यूस आपको इसका कटिंग इसकी, बट कटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जिस भी तरह की आप शेप चाहते हो उस तरह की शेप इसको दे सकते हो। एक जो सबसे इनका टफेस्ट पॉइंट है, इनकी आँखें, ये अब देखिए इनकी आँखों के ऊपर इनके बाल चले जाते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल माई फ्रेंड, इसको आप हमेशा प्रोफेशनल वेट, जहाँ कोई आपके नियर बाई कोई क्लिनिक है डॉग का ग्रूमिंग, वहाँ कटवाते रहिए। बाकी बॉडी के बाल तो आप क्रॉम करने के साथ ही कर सकते हो। लेकिन माई फ्रेंड, ये स्पेशली मैसेज है मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर बॉयज़ के लिए। गर्ल्स इनको बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती हैं, वो बहुत प्राउड फील करती हैं कि लड़के शिह त्ज़ू को नहीं संभाल सकते। तो बी टफ यार माई फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टफ टफ वर्क है। ये मेरे फ्रेंड भी हैं, इनके पास भी है, ये कर रहे हैं एक बहुत हार्ड एफर्ट, ये इनके पास है शिह त्ज़ू। तो अगर आप ब्रीडिंग लाइन में आना चाहते हो तो छोटी ब्रीड से स्टार्ट करोगे, बैक टू द टॉपिक अगेन माई फ्रेंड, तो ज़्यादा मुनाफे वाला सौदा है। वही एग्जाम्पल, 30 किलो का डॉग साथ में साल में 1 या 2 बार आपको बच्चे देगा, और ये 6-7-5 kg वाला डॉग भी दो बार देगा, और आपका फ़ायदा इसमें है ज़्यादा, क्योंकि ये 7 kg का है, कितना आपका टाइम लेगा, कोई ज़्यादा नहीं। मैं फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका प्लान है छोटी ब्रीडों का, तो ये वन ऑफ दोस आपके चॉइस है। हाँ, इसके जो बाल जितने लंबे
जो इसकी पहचान है, जो इसकी ब्यूटी है, वो थोड़ा टफ वर्क होता है हमारे लिए, बट यही एक लाइफ है ब्रीडर की, तो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक है एग्जाम्पल के तौर पर, ये ब्रीडिंग बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, से बाय। Perfect.